नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके एग्जाम में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है उसका आज हमारा प्रैक्टिस सेट थर्ड है और हम आपके अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। इसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और ये आपका जो पार्ट सेकेंड है सूचना विज्ञान से संबंधित जो सेकेंड पार्ट है उसके हम 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आपकी यूनिट के हिसाब से लगातार चलते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका। आप प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, जिससे आपको भी पता चल जाए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं आज का एक नंबर वीडियो। हमारा एक नंबर क्वेश्चन है SIS का विस्तृत रूप है। SIS की फुल फॉर्म पूछा है फ्रेंड्स, इसके आंसर आपको बताना है कि SIS का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर क्या रहेगा? एक नंबर ऑप्शन सोसाइटी फॉर इन्फॉर्मेशन साइंस, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फ्रेंड्स, आप साथ साथ में कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, सिर्फ मैं इसके आंसर बोलते चलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, ये आपको बताना है। भारत में डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ, किस वर्ष पारित हुआ फ्रेंड्स? तो ये हुआ था 1954 में। तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। दो नंबर क्वेश्चन में तीन नंबर ऑप्शन इसे राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सुमेलित करना है फ्रेंड्स। आपके सामने चार ऑप्शन है, आप साथ साथ में बता भी सकते हैं इसका सही आंसर क्या रहेगा। एक साइड में पत्रिका का नाम है, एक है प्रकाशन अवधि, मतलब कौन सी पत्रिका किस प्रकार की अवधि, मतलब त्रैमासिक है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक, किस प्रकार के, वो आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ये किसे इनफ्लाटेंट्स, ये किस प्रकार की है, ये है वार्षिक उठ है। चार नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। फिर है ये इनफ्लानुअल एनुअल इकला कम्युनिकेशन, ये किस प्रकार की है, ये त्रैमासिक है, किस प्रकार की है, त्रैमासिक है। ये बिब्लियोग्राफिक ऑफ है इफ्ला कॉन्फ्रेंस पेपर्स, ये किस प्रकार की है, ये अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक। और फिर है इफ्ला जर्नल, ये किस प्रकार की है, ये है वार्षिक है। डी के साथ है, तीन नंबर ऑप्शन इसका सही रहेगा। फ्रेंड्स, इसका तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ए के साथ चार नंबर, बी के साथ एक नंबर, सी के साथ दो और डी के साथ तीन नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। IASLIC का विस्तार रूप है, वो आपको बताना है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। फ्रेंड्स, इसका सी आंसर क्या रहेगा? फ्रेंड्स, इसका सी आंसर रहेगा एक नंबर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इन्फॉर्मेशन सेंटर्स। एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। IASLIC का विस्तार रूप क्या है, एक नंबर इज राइट। चलिए नेक्स्ट, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक प्रकाशक को ग्रंथ की कितनी प्रतियाँ भेजनी पड़ती है। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत प्रत्येक प्रकाशक को ग्रंथ की कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती है, मतलब कितनी कॉपियां भेजनी पड़ती है, वो आपको बताना है। फ्रेंड, तो कितनी प्रतियां भेजनी पड़ती है, चार प्रतियां भेजनी पड़ती है। तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। IASLIC का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था, वो आपको बताना है। IASLIC का प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था फ्रेंड्स? किसे? डॉक्टर सुनील लाल होरा को। दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कॉपीराइट कानून के अनुसार कॉपीराइट प्रतिलिपि अधिकार कब तक के लिए दिया जाता है, वो आपको बताना है। कब तक के लिए दिया जाता है फ्रेंड्स? कब तक के लिए? लेखक की मृत्यु के बाद 60 वर्षों के लिए। चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत ग्रंथ प्राप्त करने हेतु कौन सा ग्रंथालय प्राधिकृत है। फ्रेंड्स, आप देखना, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट से संबंधित तीन प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट से संबंधित तीन क्वेश्चन आ चुके हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट के अंतर्गत ग्रंथ प्राप्त करने हेतु कौन सा ग्रंथालय प्राधिकृत है, वो आपको बताना है। तो कौन सा ग्रंथालय है, ये है राज्य केंद्रीय ग्रंथालय मुंबई। तीन नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक है, जल्दी से बताएं। प्रोफेसर टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक है, शायद ये मिसप्रिंट भी हो सकता है, ये प्रीफेस भी हो सकता है फ्रेंड्स, पता नहीं, नेट पे भी मैंने सर्च किया लेकिन ये प्रोफेस ही आया। तो प्रोफेसर टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक कौन है, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, या तो प्रीफेस है या प्रोफेस है ये। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर रहेगा डॉक्टर SR रंगनाथन। प्रोफेसर टू लाइब्रेरी साइंस के लेखक कौन है? डॉक्टर SR रंगनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रंथालयों के विकास हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त पहला आयोग या समिति कौन सी थी, वो आपको बताना है। कौन सी समिति थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? हंटर आयोग। तीन नंबर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित है, वो आपको बताना। निम्न में से कौन सा युगम सुमेलित है, ये आपको बताना है, मतलब इसके सही
बताना है तो NICAI, नेशनल इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, ये चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। NIC, नेशनल इंस्टीट्यूशनल सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन, चार नंबर ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है यह कथन किसका है? ग्रंथालय विश्वविद्यालय के सभी कार्यों का हृदय है यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसका है यह ग्रंथ? तो यह है सर्वपल्ली राधाकृष्णन का, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देश के विभिन्न भागों में अखिल भारतीय ग्रंथालय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, किस प्रकार का किया जाता है, कब किया जाता है, यह आपको बताना है। किस प्रकार का, यह त्रैमासिक है या वार्षिक है या हर वर्ष किया जाता है, किस प्रकार का फ्रेंड्स, ये किस वर्ष का, प्रत्येक वर्ष किया जाता है, तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस समिति यूके का प्रतिवेदन किस प्रकार के ग्रंथालयों से संबंधित है? ये पेरिस समिति का प्रतिवेदन किस प्रकार के ग्रंथालयों से संबंधित है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। तो किस प्रकार के, शैक्षिक ग्रंथालयों से, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी? अमेरिकन पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर रहेगा 6 अक्टूबर 1876, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, पुस्तकालय ग्रेड थर्ड से संबंधित हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें आप जुड़ जाना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से मिल जाएगा आपको, थोड़ी देर बाद इसकी PDF भी आपको प्राप्त हो जाएगी। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हम आपके पार्ट फर्स्ट और सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, हमने आपके पार्ट फर्स्ट के हमने 13 वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें राजस्थान जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है सारे हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, और सेकंड के हमने 9 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे, और ये आपकी नई सीरीज है जिसमें आपको सूचना विज्ञान से पुस्तकालय संबंधित क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन्योन समिति का संबंध किस प्रकार के ग्रंथालयों से है? यूके के कैन्योन समिति का संबंध किस प्रकार के ग्रंथालयों से था? तो जल्दी से बताइए किस प्रकार के ग्रंथालयों से था फ्रेंड्स, किस प्रकार के सार्वजनिक ग्रंथालयों से था, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई? रंगनाथन अवार्ड फॉर क्लासिफिकेशन रिसर्च की घोषणा किस संस्था के द्वारा की गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा। चार ऑप्शन आपके सामने फ्रेंड्स, का सही रहेगा फीड FID, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं था? कौन सा, चार लोगों का नाम आपके सामने, इसमें से कौन सा है जो पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं था, कभी पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं था, तो कौन सा था फ्रेंड, मृणाल निंबालकर, चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। कौन थे, मृणाल निंबालकर, जो कभी पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफला का पूरा नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इफला से संबंधित मैं आपको 3 क्वेश्चन पूछूंगा इस वीडियो में, आपको जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना आपको इफला का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं इफला का पूरा नाम क्या है। तो फ्रेंड्स इफला का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। इफला का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है, चार नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफला का मुख्यालय स्थित है, इफला का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो कहाँ पे स्थित है, ये हेग में स्थित है, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफला की स्थापना कब हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट, इफला की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, कब हुई थी ये, 30 सितंबर 1927 को हुई थी, एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर कर देना, लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलें, आप लाइक कर देते हैं बहुत अच्छा लगता है, और हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लाते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, सामने के बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ALA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है? ALA निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त होता है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किसके लिए प्रयुक्त होता है, ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए प्रयुक्त होता है, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युगम सुमेलित है, ये आपको बताना है, एक साइड नेटवर्क है और दूसरी साइड में संबंधित क्षेत्र या राज्य है, यह आपको बताना है, मतलब कौन सा नेटवर्क किस राज्य में है, किस क्षेत्र में, यह आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ इसका सही आंसर करेगा माइलीबिनेट मैसूर, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। कौन सा सुमेलित है, ये एक साइड में नेटवर्क है
माइली बनेट और दूसरी साइड में मैसूर, ये इसके संबंधित क्षेत्र में, लेकिन बोनेट बेंगलोर मेडनेट और डेलनेट ये इससे संबंधित नहीं है, तो दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा युगम सुमेलित है, इस साइड में नेटवर्क और युग की बार स्थापना वर्ष दिया हुआ है, वो आपको बताना है कौन सा युगम सुमेलित है, इसका नेटवर्क जिसकी स्थापना कब हुई थी, सही सही कौन सा वो आपको बताना है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या रहेगा, सरनेट है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, तो एक नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कलाई का संबंध किससे है, कलाई का संबंध किससे है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। फ्रेंड्स चोकलाई का संबंध है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया फ्रेंड्स, ठीक है, ये कौन सा है, जेकलाई है ये, ठीक है, जेकलाई का संबंध किससे है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जल्दी से बताएं इसका सही आंसर क्या रहेगा, तो किससे फ्रेंड्स, ये आइजलिक गिला एम आई एल ए से संबंधित है, दो नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। जेकलाई का संबंध किससे है, ये किससे है, आइजलिक गिला एम आई एल ए से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना और इसका सही आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओसीएलसी क्या है, ओसीएलसी क्या है, आपके सामने चार ऑप्शन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना इसका सही आंसर क्या रहेगा। और फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन, इसमें से आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, वो मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर, जिससे आपको भी अपनी तैयारी का पता चल सके। फ्रेंड्स बस मैं अपने लिए आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आपके व्हाट्सअप ग्रुप में जितने भी स्टडी ग्रुप है उसमें से केवल एक स्टडी ग्रुप में इसे शेयर जरूर कर देना फ्रेंड्स, और आप अपने लिए ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट का समय जरूर निकालें और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्राप्त करें, जिससे आपको तैयारी भी अच्छी हो सके और आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे फ्रेंड्स, ये फालतू की चीज़ नहीं है, इसके अंदर आपको सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन ही मिलेंगे, तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा नहीं तो 5 से 10 मिनट का जरूर देखें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।